नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। ये हफ्ता किसी तरीके से निकला। जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बोथ साइड कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपने लिए प्रॉफिट्स जनरेट किए होंगे, आई होप। इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा टफ था, बट वर्ल्ड मार्केट्स आर स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ, तो कोई भी ऐसी डर भय की बात नहीं है। आप जमे रहें अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ और डेफिनेटली सून वी विल बी ऑन द ट्रैक। और वर्ल्ड मार्केट जहाँ से कि हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, दे आर शोइंग गुड स्ट्रेंथ। तो आई होप कि इस हफ्ते हम भी कुछ बेहतर गेन्स एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पोजिशनल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के थ्रू अपने जो बुक्स हैं उसके अंदर जनरेट करेंगे प्रॉफिट्स, राइट। चलिए देखते हैं कि कल के लिए एक्सक्यूज मी कल के लिए क्या कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें इस तरीके के लेवल्स के ऊपर अभी स्टैंड कर रहे हों, जहाँ पे कि हम अपनी किसी भी प्रकार की जो स्ट्रेटजी है जो कि सिस्टम बैक्ड हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो से पैक्ड हो, उसके थ्रू कोई एक ऐसी ट्रेडिंग पोजीशन हम बना करके अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकें। बेसिकली हमारी कोशिश होगी रोज शाम को जो भी हमारे रडार पे 2-3 स्टॉक्स ऐसे आते हैं जिनके की लेवल्स को वॉचफुल रह के आप अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू उसमें कोई एक इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन ले करके अपने लिए अगर कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं तो हमारे लिए हमें लगेगा कि दैट एजुकेशन पार्ट विच इज़ आर मोटो इन दी स्टॉक मार्केट लर्निंग, हम कुछ बेहतर आपके साथ शेयर कर पाए। इसका जो बेसिक जो रूल है या बेसिक जो इन तरीके के जो स्टॉक्स होंगे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे डे ऑन डे बेसिस एंड ऑफ द डे, वो सिर्फ एक ही रहेगा कि वो पर्टिकुलर स्टॉक उस दिन डे एंड या डे क्लोजिंग के बाद एक ऐसे स्पॉट पे होगा, स्वीट स्पॉट पे होगा, जहाँ से कि वो या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड दो में से कोई भी एक मूव आपके लिए दे सकता है। बस करना क्या है, करना ये है कि आपके पास एक कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप अपनी पोजिशन ले करके उस मूव को प्ले कर पाए। अगर उस लेवल से वो नीचे जा रहा है तो आप किसी तरीके से उसको या तो नेकेड फ्यूचर्स सेल करें, और अगर वो अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है उस पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट बना करके तो वहाँ पे आप नेकेड फ्यूचर बाई करें, या फिर उसको एक कॉम्बिनेशन के थ्रू, पुट एंड कॉल के कॉम्बिनेशन के थ्रू प्ले करने की कोशिश करें, या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसके ATM ऑप्शंस को बाई एंड सेल करके भी आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एक पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि वी विल मेक श्योर कि ये जो भी स्टॉक हो ये निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के बीच में से कोई स्टॉक्स 1-2-3 जो भी रडार पे आते हैं वो, अगर नहीं आएंगे तो हम ज़बरदस्ती उस, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक स्टॉक हमको आपके साथ शेयर करना ही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट वी आर प्रिपेयरिंग अ वीडियो और आपको हम बता रहे हैं, और जब नहीं आएगा तो हम वो भी बताएंगे कि नहीं आज कोई ऐसा स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे रेडार पे नहीं है जहाँ से कि कोई मूवमेंट हम देख पा रहे हो कल के मार्केट के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं कल के स्टॉक मार्केट के पिक्स फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सबसे पहला स्टॉक है आज हमारे रडार के ऊपर टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन के ऊपर है डेली चार्ट्स के ऊपर। सी प्राइस एंड एक्शन एनालिसिस जो है बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेट हम लोग अननेसेसरीली कर देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है। अभी जो है टेक महिंद्रा फ्यूचर जो है उसका ट्रेड कर रहा है 1313.55 रुपये के ऊपर। एग्जैक्टली बहुत ही बेहतरीन जो है एक पॉइंट के ऊपर ये 1313 के ऊपर अभी सिचुएटेड है। मूविंग एवरेज जो है उसका जस्ट उसके ऊपर है अराउंड 1320 के आसपास।
तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये 20-21 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो कि अगर 1313 के नीचे अगर मार्केट या 1313 के 1 रुपये नीचे भी अगर ये मार्केट में ओपनिंग देता है कल, तो इसके लिए एक प्रेशर के तरीके से काम करेगा, जहाँ पे कि RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये भी इसके नीचे आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम 48.93, जो कि एटलीस्ट 50 होना चाहिए न्यूट्रल वे में, बट अगर उसके नीचे है तो एक वीकनेस शो कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी जो आपकी होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि 1313 के नीचे अगर वो ओपनिंग देता है तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जब तक कि वो 1313 या फिर 1320 के ऊपर कॉन्फिडेंटली 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल पे अगर वो ट्रेड करना नहीं शुरू करता है, तब तक आप एक शॉर्ट पोजीशन की तरीके से अपने अपने जो है कॉल को लेके चल सकते हैं, अपने अपने जो स्ट्रेटजी ऑफ योर ट्रेडिंग है उसको लेके चल सकते हैं, और 1320-21 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ से क्रिएट होती हुई दिखती है। बट जैसे ही 1320 या 21 के ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग है, मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं और सुबह ही अगर ये 1320-21 के ऊपर ओपनिंग देता है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। तो जो अभी इसका रेजिस्टेंस है वही इसका सपोर्ट के रूप में काम करने लगेगा, और मार्केट सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ आप क्या करेंगे, लॉन्ग साइड पे आ जाएंगे और अपने इंट्राडे के हिसाब से अपने स्मॉल प्रॉफिट्स को टारगेट करके, चाहे वो डाउन साइड में हो चाहे वो अप साइड में हो, यानी कि चाहे वो बेच के हो चाहे वो खरीद के हो, दोनों तरफ अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे पोजीशन लेने के लिए। कि जो असली ट्रेडर है वो वही होता है जो कि बोथ साइड ट्रेड लेना जाने, विद लॉजिक, विद रूल्स, विद सर्टेन सिस्टम। अब इसको आप हर तरीके से प्ले कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में लॉट सेल करके, लॉट बाई करके, ऑप्शंस में कॉल्स बाई करके, पुट बाई करके, जिस तरफ भी आपका ये प्राइस इन एक्शन मॉर्निंग में मार्केट खुलने के बाद आपको सिग्नल्स देता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पुट बाई का, पुट एंड कॉल का जो है एक कॉम्बिनेशन बना करके, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं अगर वो आती हैं तो ही करें, अदरवाइज सिंपलिस्टिक वे में जाएं। सिंपलिस्टिक वे इज़ वॉट, अगर आपको दिख रहा है कि ये नीचे जाएगा इसका भाव तो फ्यूचर सेल करना है, और अगर आपको लगता है कि भाव ऊपर जाएगा तो फ्यूचर को बाई करना है टेक महिंद्रा के। और कब आपको लगेगा सेल करना है या क्या कब बाई करना है वो आपको बताएगा ये जो अभी इस टाइम पे 1313 के एक मैजिकल पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। यहीं से आपको एक आइडिया लगेगा कि ये आपको बाई के रूप में आपकी प्रोबेबिलिटी एनहेंस करता है ट्रेडिंग की, कि शॉर्ट के रूप में। आइए अब देखते हैं दूसरा कौन सा शेयर है जो कि हमारे रेडार पे आया है, मोस्ट फेवरेट जो है आजकल के रिटेलर्स का काफ़ी फेवरेट है। रिटेलर्स छोड़िए, ये तो जो है इंस्टीट्यूशनल फेवरेट भी हो गया है। जब आप इसकी होल्डिंग देखेंगे, ITC की बात कर रहा हूँ मैं, तो DIIs एंड FIIs दोनों के पास भर भर के ये स्टॉक है। हाँ, बैट का कुछ चक्कर है जिसके चलते उनका जो है कुछ ऑफलोडिंग आएगा ये सोच करके ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ इसने अपना डाउनफॉल इसका जो है होना शुरू हुआ है। लगभग 24 जनवरी से लेकर के ये कंटिन्यूअसली आप देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, और कुछ तो इसने डिविडेंड भी दिया है जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा बैलेंसिंग हुआ होगा, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी शो किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं जो कि है 412 रुपये पे, यहाँ पे एक एक पुराना सपोर्ट सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड होने की वजह से बीच बीच में ये खांसी आपको परेशान कर रही होगी, मेरे साथ साथ आपको भी, तो बियर करिएगा मेरे साथ। तो ये जो रेड लाइन है इट इज़, जब आप पूरे चार्ट को जब सिंक करके देखेंगे, छोटा करके देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट है डेली चार्ट के ऊपर जहाँ से कि इसने अपना एक स्ट्रेंथ शो किया, थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी इसने ली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यही एक ये मैजिकल पॉइंट इसका बन गया है 412। 412 के आसपास कहीं भी अगर ITC मिलता है, क्योंकि पिछले लगभग आप ये मान के चलिए 10-15 दिन से ये गिर ही रहा है, तो अब कहीं ना कहीं एक डिमांड जनरेट हो सकती है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो 412 के ऊपर कहीं भी मिलता है तो आप 428 तक के टारगेट के लिए इसको, क्योंकि ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं वीकली जो ये एक सपोर्ट था, अब ये इसके लिए बन जाएगा क्या कहते हैं हम उसको, जब ये सपोर्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके लिए एक बैरियर बन जाता है जो आपको वहाँ से जो है उस मार्केट के भाव को ऊपर जाने से ये रोकता है। तो यहाँ पे जो है 428 से पहले पहले आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और एक बार 428 के ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेजेस 20, 21, 10 वाले जो मूविंग एवरेजेस हैं वो इसको चैलेंज क्रिएट करेंगे, जो कि एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू मार्केट में कोई भी स्टॉक का या इंडेक्स का भाव तय किया जाता है। और फिर एक बार अगर वो ब्रीच हो जाते हैं तो फिर और फिर एक नया रैली इसमें स्टार्ट हो सकता है। कल की अगर हम बात करें 412 के आसपास जब भी मिलता है आप इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाएं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 410 रुपये का एटलीस्ट बना करके 15 से 30 मिनट के चार्ट के 15 से 30 मिनट के टाइम होराइजन के कैंडल्स पे आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आपका अपना कोई स्ट्रैटेजी हो जिसमें 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 30 मिनट जो भी जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, बट डिसाइसिवली वहाँ पे वो ट्रेड करके वो पोजीशन पे क्लोज होना चाहिए, तभी हमें एक सिग्नल मिलेगा कि हमें बाहर निकलना है। और 410 के आसपास अगर आता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन आपको काटनी है क्योंकि उसके पास बाद एक डीप डाइविंग इस स्टॉक के अंदर आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पहला टारगेट है 428, उसके बाद मेरे हिसाब से जो दूसरा टारगेट है वो 445 के आसपास का है, और इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो गोल्स हैं टारगेट्स हैं वो भी मीनिंगफुल होने चाहिए। एट द सेम टाइम रिस्क रिवॉर्ड के साथ, एटलीस्ट 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत ही स्ट्रिक्ट होने चाहिए, राइट? तो ये था हमारा सेकेंड प्रोबेबिलिटी को एनहेंस करता हुआ एक और स्टॉक जो कि एकदम अपने स्वीट पॉइंट पे है। यहाँ पे आप अपने अपने तरीके से, अपनी स्ट्रैटेजीज के तरीके से, जिस तरीके से भी आप ट्रेड लेते हैं, आप अपना एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स लॉट को बाई सेल करके हो या फिर ऑप्शंस के थ्रू हो। और हाँ, अगर मॉर्निंग में ही 412 के नीचे कहीं दिखाई दे आपको ये ओपनिंग, और डिसाइसिवली जिस भी कैंडल टाइम होराइजन को आप फॉलो कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ टाइम होराइजन माने आपको वेट करना पड़ेगा उस कैंडल के क्लोज होने का, चाहे वो 5 मिनट का ही कैंडल क्यों ना हो, डिसाइसिवली 412 के नीचे अगर वो क्लोज देता है तो आप एक 412 के ऊपर 2-3-1-2 रुपए ऊपर 414 415 के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के शॉर्ट कॉल के लिए भी जा सकते हैं। तो इट वॉज दीज वर द आइडियाज फॉर टुमारोज ट्रेड्स इन द फ्यूचर स्टॉक मार्केट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। थैंक यू सो मच। आप होपफुली आप इस प्राइस एंड एक्शन को समझ पा रहे होंगे, और जो हमारे डेली के हम लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं इंडेक्स लेवल्स, उनको भी आप इसी तरीके से उन लेवल्स को आप ट्रेड कर पा रहे होंगे, क्योंकि लेवल डजेंट मीन कि जो है वो लेवल टूटेंगे नहीं, बट वो लेवल अगर टूटते हैं तो कब वो सपोर्ट बन रहे हैं, कब वो रेजिस्टेंस बन रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी, आपको वहाँ पे बाई और सेल की जब आपको जो लेनी होती है वो जब आप ले पाते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, इसी को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि रूल बैक ट्रेडिंग ऑलवेज ऑलवेज बेनिफिट टू द ट्रेडर इफ़ यू टेक इट एज अ ट्रेडिंग बिजनेस। अगर रूल बैक्ड, सिस्टम बैक्ड, डिसिप्लिन बैक्ड आपका ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है तो ये प्योरली स्पेकुलेशन हो जाता है, और स्पेकुलेशन को हम बिजनेस नहीं बोल सकते हैं, स्पेकुलेशन ही होता है। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए मार्केट शाले के साथ और सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तभी जो है मार्केट में आगे आप बढ़ पाएंगे। इट्स अ बिजनेस, इट इज़ नॉट स्पेकुलेशन एट ऑल। सो डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। थैंक यू सो मच, सी यू सून अगेन, बाय बाय। कोशिश करते रहेंगे रोज जो है आपके साथ कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे कि स्वीट स्पॉट्स पे वो स्टैंड कर रहे होंगे डे क्लोजिंग पे, अगले दिन के लिए आपके साथ लेके आए, और आशा करते हैं आप उन स्वीट स्पॉट्स को ट्रेड कर पाएँ और अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।